हेलो व्यूअर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्राइवर मुंडा। CD70 और हुंडा के किसी भी मोटरसाइकिल में ओरिजिनल जो चिकन मैट है वो नहीं लगा होता, लेकिन अक्सर हुंडा के मोटरसाइकिल में या चाइनीज़ मोटरसाइकिल में जो है वो लगाने की जगह ज़रूर होती है। हुंडा का ये वह बाइक है जहाँ पर चिकन मैट को लगाने की जगह ओरिजिनल नहीं होती। बाज़ात तो लोग यहाँ पर लंबी पत्रियाँ रख के ऐसे लगवा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ इस काबिले के साथ जो है वो नीचे रख के लगवा लेते हैं, लेकिन अक्सर जो ज़्यादातर दोस्त होते हैं वो चिकन मैट को इस डंडे के साथ ऐसे सीधा रख के फिर लोहे की तारों के साथ बांध देते हैं, लेकिन फिर वो बुरा लगता है या हवा के प्रेशर के साथ जो है वो उस बाद में वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा ऐसा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि बारीक तारे होते हैं और वो चिकन मैट जो है वो प्लास्टिक का होता है, रबड़ का होता है, तो नरम प्लास्टिक रबड़ होता है, तो इसलिए फिर वो तारें जो है उसके अंदर घुस जाती हैं और फिर वो लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, जैसे वो नीचे गिर पड़ता है। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीके से लगा कर दिखाएंगे जो कि आपको पसंद आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको चिकन मैट को किस तरीके से लगाते हैं। हेलो व्यूअर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्राइवर मुंडा। CD70 और हुंडा के किसी भी मोटरसाइकिल में ओरिजिनल जो चिकन मैट है वो नहीं लगा होता, लेकिन अक्सर हुंडा के मोटरसाइकिल में या चाइनीज़ मोटरसाइकिल में जो है वो लगाने की जगह ज़रूर होती है। हुंडा का ये वह बाइक है जहाँ पर चिकन मैट को लगाने की जगह ओरिजिनल नहीं होती। बाज़ात तो लोग यहाँ पर लंबी पत्रियाँ रख के ऐसे लगवा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ इस काबिले के साथ जो है वो नीचे रख के लगवा लेते हैं, लेकिन अक्सर जो ज़्यादातर दोस्त होते हैं वो चिकन मैट को इस डंडे के साथ ऐसे सीधा रख के फिर लोहे की तारों के साथ बांध देते हैं, लेकिन फिर वो बुरा लगता है या हवा के प्रेशर के साथ जो है वो उस बाद में वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा ऐसा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि बारीक तारे होते हैं और वो चिकन मैट जो है वो प्लास्टिक का होता है, रबड़ का होता है, तो नरम प्लास्टिक रबड़ होता है, तो इसलिए फिर वो तारें जो है उसके अंदर घुस जाती हैं और फिर वो लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, जैसे वो नीचे गिर पड़ता है। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीके से लगा कर दिखाएंगे जो कि आपको पसंद आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको चिकन मैट को किस तरीके से लगाते हैं। प्लास जो है मैं ले आया हूँ और इसको आप करते हैं सीधा। ये देखें, ये प्लास है और प्लास के साथ हम इसको सीधा करेंगे इस जगह को थोड़ा सा, ताकि ये इसके ऊपर पूरा मुकम्मल बैठ सके। ऐसे कर लेना है ताकि ये पत्री जो है इसके ऊपर ऐसे फिट आ सके, और इसको भी ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब हमने इसको लगाना है। लगाने का तरीका ये है, इसके ऊपर से हमने वाचल रखनी है और फिर ऐसे करके हमने इसको लगा देना है। इसके ऊपर से फिर दोबारा वाचल रखनी है उसके बाद 10 के बोल्ट से इसको टाइट कर देना है। ये थोड़ा सा लगाने में मुश्किल है क्योंकि अंदर प्लेस जो है वो बहुत कम होती है, अगर आप चाहें तो काबले का मुंह नीचे की तरफ रख सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूं ताकि सफाई करने में जो है वो आसानी रहे। ये देखें, ये जो है वो यहां पर टाइट हो गया है। अब ये दूसरी लगा रहा हूं मैं, ये नीचे से रख के इसके ऊपर रखना, ऊपर वाचल इसके ऊपर छोटी वाचल और फिर इसके ऊपर अपने काबला लगा देना है।
ये देखें जी, ये कबला जो है वो लग गया है। अब आपने ये ख्याल रखना है कि इन दोनों को सेंटर में रखना है ताकि फ्रेम के जो बड़े सुराख हैं वो नजर ना आए। इससे होता तो कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ बुरा ना लगे। अब इनको 10 की चाबियों के साथ जो है वो टाइट कर देना है। ये 10 की दो चाबियां हैं, एक को आपने नीचे से पकड़ना है और एक को आपने ऊपर से पकड़ना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको टाइट कर देना है। ये मैं टाइट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें किसी भी किस्म की कोई बुरी फिटिंग है। ये देखें, ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब मजीद थोड़ा सा इसको टाइट करने की जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इन कबलों के साथ, इंजन वाले इन कबलों के साथ जो है वो लगा देते हैं, लेकिन फिर जो है इंजन की जो सीलें हैं बाजू का तो लीक हो जाती है। तो ये रहा, ये नट जो है वो चिकन मैट के साथ ओरिजिनल जो है वो आपको साथ मिलते हैं। अब आपने इनको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है। ये देखें जी, ये जो है आसानी के साथ लग गया है। अब आपने 10 की चाबियों के साथ इनको भी टाइट कर देना है। ये देखें, ये बिल्कुल टाइट हो गया है। इसको भी 10 की चाबी के साथ टाइट कर देना है।